और महिला हो या पुरुष, सबकी एक आवाज है और वह है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी। सबकी एक आवाज है मोदी। ये मोदी आवाज अचानक नहीं बनी, दुनिया के अंदर आप जहां कहीं जाएंगे दुनिया बड़ी टकटकी निगाहों से देख रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या करेगा। और सबको विश्वास है कि जो एक ओजस्वी जो तेजस्वी नेतृत्व भारत को मिला है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री अवश्य होंगे, पूरी दुनिया देख रही है भाइयों बहनों। और इसलिए इस लाज को बचाने के लिए दायित्व भी आप सबको उठाना है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए बनाना है क्योंकि जो कार्य कांग्रेस सपा बसपा के लिए नामुमकिन था, आज नामुमकिन मुमकिन है क्योंकि मोदी हैं। तो मोदी जी ने नामुमकिन को मुमकिन किया है। गरीब को आवास देना, गरीब को शौचालय देना, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देना, गरीब को विद्युत का कनेक्शन देना, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देना, किसानों का कर्ज माफ करना, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य की बीमा दे देना, इतना बड़ा कार्य 5 वर्ष के अंदर जो कार्य कांग्रेस सपा बसपा के लोग 55 वर्षों तक नहीं कर पाए, मोदी जी ने मात्र 55 महीनों में करके दिखाया है। इसलिए कराया है क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब इस बात को पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि आपका कमल के फूल पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को वोट पड़ेगा, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को फिर से स्थापित करेगा। और इसके लिए आप सबसे अपील है कि इस हाथरस सुरक्षित लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत सहज सरल कर्मठ प्रत्याशी श्री राजवीर दिलेर को भारी मतों से चुनाव जिता करके आप भेजेंगे, यही अपील आप सबसे करते हुए। और यहां पर दो राजवीर हैं, एक राजू भैया भी हैं राजवीर। भाइयों बहनों, इन दोनों राजवीर को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के भारी मतों से चुनाव जिता करके आप भेजेंगे। कल्याण सिंह जी हमारे नेता हैं, यशस्वी नेता हैं, उनके नेतृत्व में कार्य करने का हम लोगों को बड़ा एक आनंद की अनुभूति होती थी। और आज आदरणीय कल्याण सिंह जी की विरासत को लेकर के श्री राजवीर सिंह राजू भैया चल रहे हैं, और किशन लाल दिलेर जी की विरासत को लेकर के अपनी सहजता के लिए श्री राजवीर दिलेर आपके बीच में है। कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मलुकचंद वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सभी जनता का धन्यवाद दें। जल्दी जल्दी जल्दी